क्या गाया? सेंट्रल एशिया के देश के लोगों। दूसरा ग्रुप आया तो उसने क्या गाया? जिमी 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 आजा आजा आजा। और ये मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जब आई थी उनमें से अधिकतर लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तो पहला गाना गाया आई एम अ डिस्को डांसर। और दुनिया में अपना कल्चर, अपना सिनेमा, अपने कला की छाप छोड़ सकते हैं, और वो छाप छोड़ने का काम हमारे कलाकार करेंगे, पायरेसी रोकने का काम हम इस बिल के माध्यम से करेंगे। कम से कम पूरी जनता तक जरूर पहुंचे। 110 साल पुरानी फिल्म इंडस्ट्री, जहां राजा हरिश्चंद्र जी जैसी फिल्म बनाई, अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन मैं ये कहूंगा ये वुड को छोड़ दीजिए, ये भारतीय सिनेमा है जिसने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। इसके लिए हमें अपने कलाकारों का अभिनंदन स्वागत करना चाहिए। सेंट्रल एशिया के देशों के यूथ डेलीगेशन को होस्ट किया, तो शाम के समय जब उनको भोजन दिया माननीय सभापति जी, तो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इनके युवा जो थे उनको हमने भारत के डांसेस दिखाए, भारत का कल्चर दिखाया। उन्होंने अनुरोध किया कि वो भी अपनी कुछ कल्चरल आइटम पेश करना चाहते हैं, और हमने अनुमति दे दी। मुझे लगा शायद वो अपने देश का कुछ गाकर बताएंगे। जब वो मंच पर आए तो किसी ने कौन से जमाने का गाना गाया? मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म जब आई थी उनमें से अधिकतर लोग पैदा भी नहीं हुए थे, तो पहला गाना गाया आई एम अ डिस्को डांसर। वो किसने गाया? सेंट्रल एशिया के देश के लोग। दूसरा ग्रुप आया तो उसने क्या गाया? जिमी 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 आजा आजा आजा। और ये कौन गा रहा? वो अपनी भाषा में गा रहे हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको बजा रहे थे। ये दिखाता है कि भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत क्या है। और अगर इस देश से लेकर सेंट्रल एशिया, रशिया तक, रशिया में मैं फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखने गया 2018 में, तो मेरा नाम जोकर की बात करते थे राज कपूर जी की फिल्म की। तो सॉफ्ट पावर की यह ताकत है कि हम देश और दुनिया में अपना कल्चर, अपना सिनेमा, अपने कला की छाप छोड़ सकते हैं, और वो छाप छोड़ने का काम हमारे कलाकार करेंगे, पायरेसी रोकने का काम हम इस बिल के माध्यम से करेंगे। हालांकि मेरे मन में था कि किरण खेर जी से लेके बाकी सब भी, निरुआ जी भी हमारे बहुत बड़े नेता, कलाकार भी हैं, नेता भी हैं, यहाँ पर भी हैं, मनोज जी बहुत बड़े एक्टर हैं, इन सबको ज्यादा अवसर मिलता तो शायद देश के सामने ज्यादा बात आ पाती। लेकिन सदन में हंगामा मचाने वाले चाहते ही नहीं कि अच्छा बिल भी आए और बात जनता तक जाए भी। लेकिन हम जरूर चाहते हैं कि जो अच्छे कदम उठाए गए सरकार के द्वारा इस बिल के माध्यम से, वो मीडिया के मित्रों के माध्यम से कम पूरी जनता तक जरूर पहुंचे। 110 साल पुरानी फिल्म इंडस्ट्री, जहां राजा हरिश्चंद्र जी जैसी फिल्म बनाई, उसके बाद पहली इंडियन टॉकीज की अगर मैं बात करूं तो आलम आरा से लेकर सत्यजीत रे की अंदर पंचाली वाली पिक्चर, न जाने कितनी फिल्मों की अनगिनत गिनती यहां पर हो सकती है। भारत प्रतिवर्ष 2000 से ज्यादा फिल्में एक साल में बनाता है, ये दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, और केवल एक भाषा में नहीं अनेक भाषाओं में करता है। आज किसी को बॉलीवुड, किसी को टॉलीवुड, किसी को कॉलीवुड, किसी को सेंट्रलवुड, किसी को मॉलीवुड, अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन मैं ये कहूंगा ये वुड को छोड़ दीजिए, ये भारतीय सिनेमा है जिसने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। इसके लिए हमें अपने कलाकारों का अभिनंदन स्वागत करना चाहिए। आज दुनिया की बड़ी से बड़ी फिल्में भी हों, जो बिग बजट फिल्में हैं, उनका भी पोस्ट प्रोडक्शन काम आज हिंदुस्तान में होता है। कोई